हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। आज के इस चर्चा विद सौम्य सेक्शन में जिस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू होने वाला है, ही इज़ अ यंग पब्लिशर हु वेरी रिसेंटली हैव लॉन्च्ड हिज वेरी फर्स्ट कॉमिक बुक। उनके पब्लिकेशन का नाम है चीज़ बर्गर कॉमिक्स, और जिस कॉमिक बुक को उन्होंने रिलीज किया है, इट्स अवेलेबल बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। मेरे पास वो आ चुकी है, मैं उसको पढ़ चुका हूँ। उसका नाम है प्रोफेसर अश्वत्थामा। आई एम हैविंग इट राइट हियर। दिस इज प्रोफेसर अश्वत्थामा। आई हैव इट बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। और इस इंटरव्यू के दौरान ही मैं इस कॉमिक बुक की रिव्यू करने वाला हूँ अलॉन्ग विद द पब्लिशर। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। हमने बात करी इसके आर्टिस्ट के बारे में, हमने बात करी इसकी कलरिंग आर्टिस्ट के बारे में, हमने बात करी इसकी ओवरऑल फील एंड लुक के बारे में। जितने भी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या नई कॉमिक बुक्स कहाँ हैं, व्हाट अबाउट द न्यू पब्लिकेशंस, या लोग कहते हैं कि शायद इंडिया में कॉमिक बुक्स अब आती ही नहीं है, या कहते हैं कि आ तो रही हैं लेकिन बहुत कम पब्लिकेशंस हैं, मेरा विश्वास है, मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले एक या दो सालों में ही कई सारे पब्लिकेशंस, नए पब्लिकेशंस मार्केट में आ गए हैं। चीज़ बर्गर कॉमिक्स भी इनमें से एक है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको शुरू करने में के पीछे साहिल जी का क्या थॉट प्रोसेस रहा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स वेलकम साहिल शर्मा। नमस्कार साहिल जी। नमस्कार। नमस्ते सौम्य जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। थैंक यू। तो हमें आपका करना चाहिए बार बार लगातार कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है। थैंक यू। जो भी पब्लिशर या राइटर आर्टिस्ट कोई भी चैनल पे आता है, I feel ऑनर्ड कि हम वो हमारे लिए समय निकालते हैं। एंड आई थिंक ये इस समय की जरूरत भी है, बिकॉज रीडर्स हैं, फैंस हैं, चाहे दर्शक हैं, व्हाटएवर यू वांट टू से, वो जानना चाहते हैं, और वो मुझे लगता है कि वो उनके पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचाना जरूरी भी होता है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा एज अ रीडर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग फॉर अस अश्वत्थामा। बट थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर, वी आर जस्ट न्यू, यू नो नथिंग राइट नाउ, सो बट थैंक यू सो मच, इट इज एक्चुअली आई एम ऑब्लाइज्ड दैट यू हैव कॉल्ड अस। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो अभी देख रहे हैं, मैं इसको पढ़ चुका हूं और मेरा प्लान भी यही था कि लेट्स हैव अ रिव्यू अलोंग विद द पब्लिशर, दैट विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग। वाओ, यस। लेट्स टॉक अबाउट द बुक। सिंस इट्स अ वेरी फर्स्ट बुक, तो हमारे पास बहुत ही क्लियर सी बातें, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एंड वी विल कीप देम वेरी लिमिटेड। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप प्लीज बताएं दर्शकों को कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, एज ऑलवेज जैसे हम पूछते हैं, और ये कॉमिक बुक नर्ड, ये कीड़ा कब से आया आखिर आपके अंदर? आई एम बोर्न इन कुल्लू, कुल्लू में पैदा हूँ और पढ़ाई चंडीगढ़ और परवानु हिमाचल, अप डाउन सरकारी बस में की है। तो उसी सरकारी बस में जब टाइम 40 मिनट्स का वो टाइम होता था तो मैं पढ़ता था। मैंने डिंटन से शुरुआत की थी। हर्ज इज वन ऑफ माई Always, all time favorite. नागराज, yes, of course, वो तो बहुत ही नामी थे, चाचा चौधरी। So, ये सब से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। And Frank Miller जी की बहुत सारी मैंने पढ़ी है, मतलब Watchmen and all, I've been a fan of him. So, comics बस वैसे ही वो रास्ते में ही शुरू हुई थी, कि वो स्कूल से घर का रास्ता जो था सरकारी बस में, तो वहीं से सारी शुरुआत हुई। And after 10+2, I suppose आप मुंबई चले गए थे उसके बाद? जी, मैं एक्चुअली 10+2 के एक साल बाद आई वॉज डूइंग इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा था, जो कि मैंने नहीं की। मैंने उसकी जगह अपना पिरामिड्स और उस पर रिसर्च करना शुरू किया और उस पर कोर्स किया 3 साल का। आई वॉन्टेड टू नो वॉट पिरामिड्स आर एक्चुअली अबाउट, सो इजिप्टोलॉजी में मैंने पढ़ाई की आगे। वाओ। एंड आई वॉन्टेड टू नो, सो वहीं से ही मेरा कनेक्शन बन गया कि यार हमारी भी तो माइथोलॉजी से कनेक्टेड है ये सब, मतलब इफ हमसे ही तो कनेक्टेड है ये सब, तो ये साइंस है, ये टेक्नोलॉजी है, सो हमें कितनी साइंस टेक्नोलॉजी है। सो मैं रामानंद सागर जी की सब चीज़ों को भूल गया थोड़ी देर के लिए, और मैंने ओरिजिनल किताबें उठाई और मैंने संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ चुका था, संस्कृत का स्टूडेंट रह चुका हूँ,
सो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई ट्रांसलेशन में। सो मैंने जब इनको ट्रांसलेट किया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को दिखी कि यार ये तो ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो रही है। दिस इज नॉट कि आपने आंखें बंद की और सौ तीर हो गए। दिस इज टेक्नोलॉजी, दिस इज वॉइस एक्टिवेशन, दिस डीएनए, दिस इज योर वेपन नोज योर वेपन। जैसे मेरा फोन है, मेरा फोन मेरे फेस के अलावा किसी और के फेस से नहीं खुलता। दैट इज द टेक्नोलॉजी। तो इससे ऊपर थे वो लोग, द चैरियट ऑफ गॉड्स, अगर आपने कभी पढ़ी होगी, 1958 में उस इंसान को बोला कि ये पागल हो चुका है, लेकिन उसी के ऊपर अब हिस्ट्री चैनल पे एक पूरा शो बना हुआ है, एंशिएंट एलियंस। सो दीज आर द थिंग्स दैट एवरीथिंग कनेक्टेड, एंड आई स्टार्टेड गोइंग बैक टू माई माइथोलॉजी, मतलब विच आई कॉल हिस्ट्री, ऑफ कोर्स। सो हमारे पास बुक भी होती थी, महाभारत वॉज अ, हमारे पास एक बुक थी करिकुलम में, एक बुक होती थी महाभारत जो कि जिसके ऊपर एग्जाम होता था। सो वो भी कनेक्शन थे कि सीबीएसई में हमें ये सब चीजें पढ़ाई जाती थी। जी, I started looking in a very different way and you know, and I thought, yeah, this could have happened. Okay, so right now, जैसे कि अब दर्शक जान रहे हैं, readers जान रहे हैं that you are now a publisher. But if I may ask, so आप what exactly is your profession? What exactly is your day job, if I may say so? I am a screenplay story writer. फिलहाल मैं बकाव फिल्म्स के साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे Oh My God 2, Double XL ये सब फिल्में प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसमें हमारी भी फिल्म है जिसकी मैंने कहानी लिखी है। और मैं आशीष और मोहन करके एक डायरेक्टर है जिन्होंने खिलाड़ी 786 बनाई थी, तो उन्हीं के साथ 5 साल से उन्हीं के साथ लिख रहा हूँ। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ क्रिएटिव एंड अ राइटर। सो आप आगे भी मेरा और काम देखेंगे फिल्मों में भी। तो ओके, और ये क्रिएटिव राइटिंग से आखिर ये प्रिंट मीडिया की तरफ, स्पेसिफिकली कॉमिक बुक्स की तरफ कैसा आना हो गया फिर? आई हैड अ लॉट ऑफ स्टोरीज। ओके, नाउ इफ यू सी, एक जब फिल्म बनती है तो एक बजट होता है, सबके दिमाग में एक बजट होता है, एंड यू कैन नॉट लाइक, इफ आई से इफ आई वांट टू मेक प्रोफेसर अश्वथामा, अगर आज मेरे को फिल्म बनानी हो उसमें, तो अगर आप बजट देखोगे तो ग्रैंडियर है, आप देखोगे 100-200 करोड़ लगने वाला है। सो Why would someone put money on someone like who's just getting established? हाँ, तो वो सब चीजें थी। Then I thought कि यार मैं अपनी कहानियां बताता हूँ ना, there is always a way, there is always a platform. तो मैंने गुलशन जी से बात की, डायमंड कॉमिक्स। सो वो हमेशा से मेरे गॉड फादर बोलता हूँ मैं उनको, कि उन्होंने मेरे को कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने मेरे को सिर्फ अच्छी चीज ही बताई। जब मैंने उनको बाद में बताया कि गुलशन जी ये एडिटिंग और ये सब मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक में, तो मैं क्या डिसोसिएट कर सकता हूँ? कह रहे हाँ बेटा करना, तेरे को और कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को बता। सो ही इज ऑलवेज बीन देयर, आई मेट हिम, वो उनसे मिलने आते थे, ही इज नॉट वेल। आप शायद रिसेंटली उनसे मिले हो। तो ही इज नॉट वेल, वो अपनी गाड़ी चला के हमसे मिलने आते थे और वो सब बातें करते थे, एंड आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट विल स्टे विद मी, हिज पैशन। एक्चुअली उनका पैशन देख के ना, मतलब मुझे ऐसा लगता था यार मैं तो और भाग सकता हूँ। मतलब जैसे वो तरीके से वो काम करते हैं, जिस तरीके से मिलने आते हैं, उनका एंथुजियाज्म कैसा है, unimaginable. So I think I got that from Gulshan ji first, and then I thought ki yaar okay, and then they say God help those who help themselves. So aise karke meri shaadi wala din tha, so I got a call from Pratilipi people, Right Order. So okay. Pratilipi ka baby hai Right Order. So they said we love the concept that you have we have seen the videos and all, jo maine reviews ke liye copies di thi. So they said we want to acquire it for 3 years. मैंने बोला why not, so then it went on. अभी ये comic बहुत अच्छी गई है, मतलब unexpected गई है उनके हिसाब से भी, so they are ready to put 3 more issues for me, they are ready to put money for 3 more issues and for 1 more title that I'm coming up, जो मैं आपको reveal करूँगा poster के साथ, it's called Tarang and Tansen Stanpura, so वो भी हम जल्दी reveal करेंगे, और 1-2 more titles हैं, so we have just started now. All right. This is really amazing. हाँ, जैसे कि आपने बोला, first of all मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा बात में, और मैं फिर वहीं से शुरू करूंगा कि गुलशन जी से मिलना, वो अपने आप में ही एक वो मीटिंग ही अपने आप में एक माइलस्टोन मीटिंग होती है कि आपकी लाइफ में आप वाकई कुछ आपके अच्छे कर्म रहे हैं और आपको वहाँ बैठने का मौका मिल रहा है. सर इज, आई मीन ही इज अ लेजेंड, व्हाट एल्स कैन आई से. और ऑफकोर्स वो बीमार हैं, एज फैक्टर भी है, और उसके बावजूद जब वो पूरी अपनी अपनी स्टोरी बता रहे थे, और मैं उनकी आंखों में जो चमक देख रहा था, जो उनकी आवाज में जो जो जो, जो ताकत थी, वो बड़े से बड़े नौजवानों को हिला दे.
मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वाइब है उनकी, वो वाइब इतनी अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग. ही इज वन ऑफ दोस पीपल, लाइक मैं हमेशा उनको मेंशन करूंगा अपनी लाइफ व्हेनेवर इट कम्स टू स्टार्टिंग. एंड सी हाउ डाउन टू अर्थ ही इज. एंड अगर आप देखोगे तो मैंने क्रेडिट पेज पे भी उनको थैंक यू किया. ऑफ कोर्स, हां मैंने देखा. सो आई विल ऑलवेज बी, हिज नेम विल ऑलवेज बी देयर बिकॉज़ दैट ही इज द गाय फॉर मी. ही इज ऑफ कोर्स. उसके आगे मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, और चूंकि अब कॉमिक बुक की आपने बात करी तो मैं अपने रिव्यू पार्ट पे भी आता हूँ और आपके साथ डायरेक्टली इस बारे में बात करता हूँ. सो यस, प्रोफेसर अश्वत्थामा इज इन माय हैंड्स. ये मैंने हिंदी वर्जन अभी मंगाया था इसका, एंड मैंने इसको पढ़ लिया है. स्टोरी वाइज दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, स्पेशली बिकॉज ऑफ आई थिंक द वे इट्स बीन प्रेजेंटेड. थैंक यू. ये डेफिनेटली उन स्टोरीज में से है जो कि एज अ रीडर, एज अ फैन, एज अ नर्ड हम कहते हैं हाँ यार ये भी तो बनना चाहिए. ऑफ कोर्स, मतलब ये वो कैरेक्टर जो कि दिमाग के किसी कोने में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं रहता है और आज फाइनली वो पन्नों में उतर आया है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर दैट. दिस इज आई एम प्रीटी श्योर व्यूअर्स, द रीडर्स आर गोइंग टू लव इट. मैं डेफिनेटली इसको, मैं ऑलरेडी मैं इसको प्रमोशन शुरू कर चुका हूँ ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टा, ऑन एवरीवेयर, और मैं चाहता हूँ कि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ें. मेरा एक सवाल है लेकिन, और वो सवाल मेरे अपने एक कॉल इट अ डाउट और कॉल इट अ कंफ्यूजन. जो इसके आर्टिस्ट हैं वो हैं मार्को मिकेल जी. एम आई प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली? तो आपने इसके आर्ट वर्क के लिए इनको लिया है, और मेरा सवाल पहला ये है जो कि ऑफ कोर्स आपके सामने भी एज अ पब्लिशर आया होगा, व्हाई नॉट एन इंडियन आर्टिस्ट फॉर एन इंडियन स्टोरी? या सो आई दिस इज लाइक पीपल हैव बीन आस्किंग मी दिस क्वेश्चन फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो मैंने क्या सोचा, हमारे दिमाग में एक इमेज है, हम अश्वत्थामा को एक इमेज से देखते हैं. हम अपने जो, जैसे कि मैं बोल रहा था कि हमारे एक वो लैग है अभी भी कि हम एक ही तरीके से देखते हैं. सो आई वॉन्टेड कि यार एक फ्रेश परस्पेक्टिव लेके आते हैं. हाउ वुड एन फिलीपींस गाय सी माय कैरेक्टर्स इफ आई सेंड हिम द पिक्चर्स? सो इट वॉज समथिंग दैट वर्कड आउट फॉर मी. आई थॉट कि इट माइट वर्क और इट माइट फेल, बट इट हाउ एवर वर्कड आउट फॉर मी. आई जस्ट गेव हिम द ब्रीफ दैट देर इज दिस गाय. I have sent him some Google links and everything, and we were like chatting endlessly. आज भी हम Facebook पे endlessly chat करते हैं, हम लड़ते हैं आपस में creative चीजों के ऊपर. But I think his perspective coming to the Indian comic actually gave us a platform. Next he's not doing the next one. Next one is an Indian is only doing it. Third one he'll be doing again because his daughter is not well and all, so there's been a problem. So, but I actually like कि यार मैं दूसरे बंदे का perspective जानना चाहता. जैसे हम बोलते हैं कि जब एक American बोलता है यार क्या हमारा religion हमारा क्या amazing है, तो वो एक दूसरे तरीके से देखते हैं. तो वैसे ही मैं चाहता था कि एक दूसरा बंदा आए और देखे कि हमारे characters में हम क्या amalgamation कर सकते. अगर मैं अपनी बिल्कुल सच्ची review दूँ, हाँ जी, तो I think by the way I am really bad in reviews, इसलिए मैं आजकल वो कम बना रहा हूँ because being an artist myself, मैं बहुत biased हो जाता हूँ, मैं उतना वो नहीं रख पाता हूँ. लेकिन फिर भी I love the artwork. The artist has done an amazing job, especially the coloring. वो जो आप time time पे जो gradients use कर रहे हैं, orangeish पूरा एक on the जब warriors आ रहे हैं, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, spoilers हो जाएंगे ज़्यादा, मगर जब वो army आ रही है और वो पूरा एक orangeish एक आपने view दिया है, it's really nice, it's really amazing. मैं चाहूंगा डेफिनेटली एक इंडियन आर्ट को देखना. और मैं ये भी कहूंगा कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट, और ये बात मैं शायद पहले भी आई डोंट नो मैंने मेंशन किया है कि नहीं किया, लेकिन मुझे अभी हाल ही है मैंने बहुत ध्यान से ये चीज देखी, दैट वी आर लैकिंग मोर ऑफ प्रताप मुलिक इन इंडिया. ओके, प्रताप मुलिक जी का जो आर्टवर्क था बैक इन दोज डेज इन तुलसी कॉमिक्स, राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, that was amazing, not just because ki unka illustration acha tha, not just because ki wo bahut zyada quantity mein karte the, but the point is, as a reader, now this is my review, as I think unke agar aap characters dekhenge to wo Indian lagte the. My god, I am getting goosebumps right now kehte hue, wo Indian lagte the. Haji, and I was having a talk with one of the artists, I don't know kim ke sath meri baat ho rahi thi, I was having a talk about with one of the artists about the facial features. और हम बात करते कि कैसे नागराज जब प्रताप मुलिक बनाते थे, सो ही लिटरली यूज्ड टू लुक डिवाइन.
आई थिंक नागराज को डिवाइन लगना था, विच इज मिसिंग राइट नाउ, विच विच स्टार्टेड गॉट मिसिंग आई थिंक इन द मिड 90s. मतलब हाँ, would very much love to see an Indian art and that too an art जो कि बिल्कुल से justify करे. I feel you. I definitely feel you. That's why we have this second edition being drawn by an Indian artist only. All right. But so, I felt you there. That is the passion, you know, we have. We need people like you in the industry to have that passion when people say like, goosebumps aa gaya. So I could imagine you took me back into a time machine and I could also imagine it. India has a very huge market for animation. Jai. और डीसी की बात करें, स्पेशली डीसी की बात करें अगर मार्वल के अलावा, तो डीसी इज डूइंग वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ 2D एनिमेशन और वो बहुत टाइम से अपना सुपरमैन, बैटमैन और बहुत सारी सीरीज निकाल चुका है. करेक्ट करेक्ट. फैबुलस जॉब. इंडिया में इतना अच्छा मार्केट है, इतने लोग हैं, स्पेशली एनिमेशन इज वेल एस्टैब्लिश्ड आई वुड से, लेकिन फिर भी हम कॉमिक बुक्स रिलेटेड कैरेक्टर्स नहीं देखते हैं. सो अगर हम लाइव एक्शन को एक तरफ कर दें, क्या हम आने वाले समय में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एनिमेशन में भी इन कैरेक्टर्स को देखें? डेफिनेटली, वी आर वर्किंग ऑन दैट. या, यू विल डेफिनेटली सी देम. दैट इज हाउ द प्लान इज एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग इट. उसके मैं स्पॉयलर्स नहीं दूंगा आपको जब तक आपका हमारा प्रोमो नहीं आ जाता. बिल्कुल. बट द प्लान इज इट. ऑलराइट. बिकॉज टिल नाउ अभी again, I won't call it unfortunately, I won't use the word, क्योंकि जो भी brands काम कर रहे हैं, जो भी names काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने लिए. But still, animation in India is very much like वो वही जो हम comic books के लिए सुनते आए थे अब तक कि बच्चों के लिए. तो animation again, अगर हम Indian content की बात करें, तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा लगता है. अभी comic जी, हम पूरा एकदम जैसा आप comic को देख रहे हो, वैसे हम आपको feel animation में भी देंगे. हम अच्छा ही करेंगे इसमें, चाहे समय लगे थोड़ा सा, लेकिन हम करेंगे अच्छे. हम वो उसमें नहीं जाएंगे कि हमें व्यूज चाहिए. हम व्यूज वाले लोग नहीं है. हम वो है कि वी आर हेयर टू स्टे, तो हम हेयर टू स्टे वाला काम ही करके जाएंगे और इम्प्रूव होते रहेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें फीडबैक मिलती रहेगी. बट अच्छा ही करेंगे जब आप देखोगे. डेफिनेटली. चलिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. कॉमिक कॉन इज अबाउट टू कम, कॉमिक कॉन इंडिया. जी. और कॉमिक कन्वेंशन बहुत पुराने नहीं हैं भारत में. 2011 से मेरे ख्याल से शुरुआत हुई थी. आई नो बिकॉज आई वॉज देयर इन द फर्स्ट कॉमिक कॉन. आई वॉज इन दिल्ली बैक देन. और अभी तक जो चल रहा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, दो तीन साल से तो ये इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अब अनाउंसमेंट्स हुए हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाय दिसंबर दिल्ली कॉमिक कॉन में. क्या हम उम्मीद करें कि चीज बर्गर कॉमिक्स विल बी देयर? वेल, I will just say they are very too much expensive. It is having a stall over there and it is still not working in a mass. मैं अपना क्या बताऊँ, मैंने राइट ऑटो को भेजा तो बोल रहा है, God, they are so expensive. So if until Comic Con also wants to do the bhala of Indian comics and they really want कि यार सब आए, तो they should dip down some, you know, stall के prices that they are having. मतलब ये मैं दिल से बोल रहा हूँ. एक जो लोग हम सैलरी से अपने पैसे निकाल के हम लोग कॉमिक्स बनाते हैं, मतलब लिटरली वही हो रहा है. बेशक राइट ऑर्डर नहीं आया था तो उससे पहले कॉमिक्स हमने ही तैयार की थी अपनी सैलरी से निकाल के. देयर इज मी एंड वन गाय अनुज. सो पुटिंग दैट 50K और 40K, यू नो, इज अ लिटिल बिट ऑफ, बिकॉज वी आर, इट इज, हमें पता लग रहा है कि विजिबिलिटी है. चलो ठीक है जी, विजिबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं विजिबिलिटी का. वी आर देयर इन द विजिबिलिटी. But still, it is too much for us to start off. And that is also because I think कोई till now अभी तक कोई बहुत corporate brand name अभी attached नहीं है. Most of us are working completely out of passion. जी बिल्कुल. Most of us. हाँ जी. हाँ. That is. So I think मेरा एक ही बस यही है कि it's a bit expensive. थोड़ा सा कम कर दो प्यार के लिए comics के. यार ठीक है, आप लोग सब आ जाओ. सब मैं अगर वो चाहते हैं कि सब आ जाएं, तो देयर शुड बी समथिंग फॉर, यू नो, शेयर. आई डोंट माइंड शेयरिंग अ स्टॉल विद समवन, विद टू मोर पीपल इफ दे आर अलाउंग द शेयरिंग, अगर वो शेयरिंग वाला ऑप्शन आता है. सो हम एटलीस्ट डिवाइड तो होगा कुछ लोगों में. मोस्ट डेफिनेटली दिस पार्ट डेफिनेटली वोंट बी एडिटेड, ट्रस्ट मी, बिकॉज़ ये वो चीज है जो कि एज अ मैसेज जाना चाहिए लोगों तक. डेफिनेटली अभी हम IFP हो रहा है मुंबई में. हाँ. So, right order is coming, which is अपना प्रोफेसर अश्वथामा. So,
it is they have a footfall of like more than 2-3 lakh people. Mumbai में तो लोग आपको बताइए कि कैसे जियो गार्डन भी जब शुरू हुआ था तो कैसे चल रहा था मामला. सो IHU में बहुत सारा फुटफॉल होता है एंड प्रोफेसर अश्वथामा विल बी देयर. आई विल बी शेयरिंग द पिक्चर्स ऑफ दैट. ऑलराइट. कॉमिक कॉन के लिए मैंने उनसे बहुत बात की है बट थोड़ा एक्सपेंसिव है मतलब नॉट नाउ मे बी. I completely get it. नहीं डेफिनेटली ये चीज सामने आनी चाहिए. आफ्टर ऑल इट्स कॉमिक कॉन. इट्स नॉट कॉमिक कॉन, इट्स कॉमिक कॉन इंडिया. तो एटलीस्ट इंडियन पब्लिकेशंस के बारे में और इंडियन पब्लिशर्स के बारे में, आर्टिस्ट के बारे में ये सोचना बहुत जरूरी है. एंड सौम्य भाई एक चीज और है मैं आपके थ्रू बोलना चाहूंगा. हमारे यहाँ में मुंबई में एक नया कॉमिक बुक स्टोर खुला है, अगर आपने सुना होगा. कॉमिक बुक स्टोर करके है जो मुंबई में खुला. ओके. आई जस्ट अप्रोच देम कि वुड यू लाइक टू कीप आवर कॉपीज इन योर स्टोर. दे सेड हम इंडियन कॉपीज नहीं रखते, हम इंडियन पब्लिशर्स का कुछ सामान नहीं रखते. सो दिस वॉज वेरी डिसहार्टनिंग. मतलब ये मेरा दिल तोड़ने वाली उन्होंने एकदम से हुआ था. मेरे पास मैसेजेस भी है, मेरी उनसे बात हुई. मैंने प्लीज कंसिडर इट एट लीस्ट. दिस इज अ डिफरेंट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग फ्रॉम द पास्ट बट दिस इज जस्ट अ न्यू थिंग. दे सेड वी आर सॉरी बट वी डोंट कीप इंडियन कॉमिक्स इन आवर स्टोर. तो यार ये बदलना होगा भाई. मतलब आप समझ रहे हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ. ये चीज बदलनी चाहिए. दिस इज सैड. मतलब आई वॉज जस्ट हम 1500 की हम जोकर सुपरमैन ये सब खरीद लेते हैं. हालांकि पेज 96 होते हैं, 84 होते हैं. मैं समझ रहा हूँ कि वो सिंगल शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन हम लोग सिंगल शॉर्ट स्टोरी इसलिए नहीं बना पाते. एक तो पहले हमें 2200 रुपए पर पेज देना है, उससे भी ज्यादा ही देना है. उसके बाद वी कैनॉट कीप अ प्राइस मोर देन 350 बिकॉज पीपल विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार व्हाई वुड वी टेक इट. सो मैं कह रहा हूँ मोमेंटम आ चुका है, द थिंग्स विल शिफ्ट. बट दीज आर द थिंग्स दैट हैव एक्चुअली अफेक्टेड मी इन द फ्यू पास्ट फ्यू वीक्स यू माइट से व्हेन आई हर्ड अबाउट दीज थिंग्स. बट एनीवे सब बदलेगा. नथिंग इज परमानेंट. विल चेंज इट फॉर श्योर. For sure, man, for sure. And Sahil ji, before ending the video, मैं पूछना चाहूँगा जो कि बहुत obvious questions हैं उन सभी writers के लिए, artists के लिए जो कि इस video को देख रहे हैं, especially the young talents of India, are there job opportunities? Yes, definitely. We are planning on bringing all the best writers from our industry together in the form of a short film, a short story actually. उनकी short stories अगर हैं तो please आप हमें दें. हम डिफरेंट राइटर्स डिफरेंट इलस्ट्रेटर्स हर एक शॉर्ट स्टोरी में यूज करने वाले हैं एंड वी गोना प्रिंट एंड पब्लिश इट. ऑलराइट. एंड यही है, वी आर लुकिंग फॉर राइटर्स. इफ यू एक्चुअली वांट, आपके पास अगर कोई शॉर्ट स्टोरी है, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटर्स. हम फिल्म इंडस्ट्री से भी कुछ राइटर्स ले रहे हैं जो कि उस कॉमिक का क्या बोलते हैं एंथोलॉजीज का पार्ट होंगी. सो हम वो सब शॉर्ट स्टोरीज अगर आपके पास 12-15 पेजेस की, प्लीज हमें दें. इफ यू आर एन इलस्ट्रेटर, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, प्लीज कम अप. यू आर मोस्ट वेलकम. वी गोना शेयर द रॉयल्टीज विद एवरीवन. That is super cool. हम आपके आपका जो ईमेल आईडी होगा जिस पर भी आप चाहेंगे कि आपसे लोग कॉन्टैक्ट करें, हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसको देंगे. और I'm pretty sure कि कोई ना कोई आपके सामने जरूर आने वाला है. और आर्टिस्ट हों, राइटर्स हों या टैलेंट ऑफ एनी काइंड, वो इसी तरीके के एक विंडोज ढूंढ रहे होते हैं. एंड द मोमेंट दे विल फाइंड द राइट टीम, द राइट पर्सन, I'm pretty sure things will drone on quite positively. So it is like zero production and a profit to everyone. I completely get it. All right, चलिए ठीक है, फिर एक काम करते हैं. ये session हमें अब यहाँ पे थोड़ा दुर्भाग्यवश, थोड़ा unfortunate है, रोकना पड़ेगा क्योंकि time की हमारे पास limitation है. हालांकि बातचीत करने का बहुत मन है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में ये बातचीत करने का जो मौका है, ये जो ऑनलाइन से हटके ये ऑफलाइन आ सके, हम एक साथ बैठ सकें. एंड देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट, स्पेशली ऑल दीज कैरेक्टर्स, कॉमिक बुक्स. एक नर्ड दूसरे नर्ड को ढूंढता है. कहाँ है. डेफिनेटली सौम्य भाई, बट थैंक यू सो मच. इट्स रियली अ प्लेजर दैट यू आई स्पोक विद यू. मैंने अभी तक आपकी वीडियोज देखी थी, मैं देखता था कि आप कैसे, बट आपसे मैंने आज पर्सनली बात की है तो मतलब अलग वाइब मिल गई है, मतलब मजा आ गया है. आई मीन द प्लेजर इज ऑल माइन, द प्लेजर इज ऑल माइन. इट्स अमेजिंग क्योंकि कहीं भी एक वो कनेक्टिविटी हो जाती है ना अगर, तो
that's how innocent our nostalgia is. That's how we connected we are. I agree. साथ में बैठे बाद में, लेकिन अभी से एक वो हो जाता है कि अच्छा अच्छा तू भी, हाँ मैं भी. All right then, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं खत्म करते हुए एक बार फिर से साहिल जी, on behalf of the entire team of the Drawing House, I wish you all the very best. आप बहुत पॉजिटिव बन रहे हो, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड. एंड आई रियली विश कि ये एक बुक, ये जो एक अश्वत्थामा मेरे हाथों में है, ये एक बंडल बन जाए मेरे पास बहुत जल्द. और आई वुड वेरी प्राउडली से आई एम अ प्राउड ओनर फॉर श्योर, बट आई वुड वेरी प्राउडली से कि हाँ मैं चीज बर्गर कॉमिक्स को फॉलो करता हूँ. थैंक यू सो मच सौम्य जी, एंड थैंक यू सो मच अगेन. आई विल से दैट हैट्स ऑफ टू द पैशन दैट यू फ्लो इन, येट यू विदहोल्ड दैट. एंड प्लीज बी सेम, योर वाइब्स आर अमेजिंग, यू गॉट दैट वाइब इन यू. सेम देयर ब्रो, सेम. तो हम मिलते हैं, हम पहाड़ों के ही हैं, तो कभी रास्ता हमारा डेफिनेटली मिलेंगे बेशक. अगर देहरादून की तरफ आना हो तो आप आइए, मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम क्या, आई विल बी द टूर गाइड, डोंट वरी अबाउट, दिक्कत ही नहीं है. सो थैंक यू सो मच अगेन एंड फॉर योर टाइम. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू. To speak with you soon. Yeah, most definitely. All the very best to you, to the entire team of Cheeseburger Comics. सभी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सेशंस में, आने वाली वीडियो में हम चैनल पे क्रिएटिव टीम को भी ला सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आके देख सके कि इन बुक्स के पीछे एक्चुअल टैलेंट क्या है. Definitely. That being said, thank you so very much. Goodbye and take care. Bye bye.